भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया। तीसरे दिन की समाप्ति तक इंग्लैंड ने ओली पोप की शतकीय पारी की मदद से 316 रन बना लिया। वहीं भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के सिर्फ 6 विकेट ही झटक पाए। इंग्लैंड के लिए क्रीज पर ओली पोप 148 और रेहान अहमद 16 रन बनाकर नाबाद वापस पवेलियन लौटे। इस तरह मेहमान टीम ने अब भारत पर 126 रनों की बढ़त हासिल कर ली। खेल के चौथे दिन अब टीम इंडिया की कोशिश होगी कि ओली पोप को आउट करने के साथ इंग्लैंड की पारी को जल्द से जल्द समाप्त करे, क्योंकि अगर यह जोड़ी क्रीज पर टिक जाती है तो टीम इंडिया के लिए मैच को जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में एक बार फिर से टॉप ऑर्डर बल्लेबाज फ्लॉप रहे। ओपनर बल्लेबाज बेन डकेट ने जरूर 47 रनों का योगदान दिया और जैक क्राउले के साथ मिलकर 45 रनों की पार्टनरशिप की। हालांकि इसके बाद जो रूट, जॉनी बेरेस्टो और कप्तान बेन स्टोक सस्ते में पवेलियन वापस लौट गए। लगातार गिरते हुए विकेट के बीच तीसरे नंबर पर बैटिंग करने उतरे ओली पोप ने अकेले मोर्चा संभाल लिया। ओली पोप ने दमदार बैटिंग से बेन फॉक्स के साथ मिलकर 100 रनों से अधिक की साझेदारी की। इसी दौरान पोप ने अपना शतक भी पूरा किया। दूसरी पारी में भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। टीम इंडिया के लिए दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह और अश्विन ने धारदार गेंदबाजी की। इसके अलावा अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने भी 1-1 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज दूसरी पारी में भी अब तक 1 विकेट भी नहीं ले पाए हैं। भारत की पहली पारी 436 रनों पर सिमटी थी। इंग्लैंड के खिलाफ इस मुकाबले में भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 436 रन बना पाई। पहली पारी में टीम इंडिया ने 190 रनों की बढ़त हासिल की थी। भारतीय टीम के लिए पहली पारी में 3 बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली। यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन 74 गेंद में 80 रन बनाए। इसके अलावा केएल राहुल ने 86 रनों का योगदान दिया था। वहीं रविंद्र जडेजा 87 रन बनाकर आउट हुए। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। पहले बैटिंग करने उतरे इंग्लैंड ने बेन स्टोक्स के अर्धशतक से सिर्फ 246 रन ही बना सकी थी। ऐसे में अब ये देखना होगा कि चौथे दिन दोनों टीमें किस तरह का खेल दिखाती। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खेल से जुड़ी अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे यानी NBT स्पोर्ट्स के साथ।